everyone, I hope you all are fine and doing great. So today I'm going to share 5 productive things which I do in the morning. तो ये 5 चीज़ें जो मैं करती हूँ टू मेक माई मॉर्निंग प्रोडक्टिव एंड टू फील गुड एंड टू फील सम एनर्जेटिक. तो ये 5 अच्छी आदतें हैं जो मेरी मॉर्निंग सुबह की रूटीन में है. द फर्स्ट थिंग विच आई डू इज व्हेन आई वेक अप, सो आई ऑलवेज ड्रिंक अ वार्म वाटर. जो कि बिफ़ोर माई ब्रेकफास्ट, बिफोर कुछ भी खाने से पहले आई मस्ट ड्रिंक अ वार्म वाटर, जो कि इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, आपकी स्किन ग्लो करने के लिए और आपके स्टमक के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है. सो द फर्स्ट प्रोडक्टिव थिंग आई डू कि मैं सुबह उठकर पीती हूँ वार्म वाटर. उसके बाद द सेकेंड थिंग आई डू, मैं जो मेरा वही सिंपल जो मेरा फेस वॉश करना होता है, स्किन मॉइस्चराइज़ करती हूँ. सिंपल मेरी मॉर्निंग में तो ये 3 स्टेप ही होते हैं, अपनी मॉइस्चराइज करना, फेस वॉश करना, लिप बम, और ये मेरा ग्लासेस को भी क्लीन करती हूँ और ब्रश वगैरह करती हूँ, अपनी हेयर ब्रश करती हूँ. और ब्रश जो है ना, टीथ ब्रश, वो मैं आफ्टर द ब्रेकफास्ट करती हूँ. सो अपना स्किन केयर करने के बाद फिर मैं जाती हूँ और अपने मीनवाइल मैं अपने एग्स जो है ना बॉयल करने के लिए रख देती हूँ. और साथ में हाफ कप चाय मैं बनाती हूँ अपने लिए, जो है ना चाय भी मैं थोड़ी सी हेल्दी पीती हूँ, ऐसे जिंजर टी या फिर उसमें इलायची डाल लेती हूँ. तो यहाँ पर ना मैं अपनी जो दिन का स्टार्ट है ना वो प्रोटीन के साथ ही करती हूँ. मैं ब्रेकफास्ट में ना कुछ हेल्दी खाना ही प्रेफर करती हूँ. बेशक फिर आप दिन भर जो मर्ज़ी खाएं, लेकिन जो अपना ब्रेकफास्ट है ना वो हमेशा हेल्दी बॉयल एग्स के साथ ऐसे कुछ हेल्दी ही करना चाहिए और ज़रा लो कैलोरीज वाला, लाइक हेल्दी करना चाहिए, प्रोटीन वाला करना चाहिए. तो ब्रेकफास्ट में मैंने एक अच्छी आदत अडॉप्ट की है कि मैं केक्स वगैरह, बिस्किट्स वगैरह, फैट्स नहीं लेती, बल्कि हेल्दी ब्रेकफास्ट करती हूँ. साथ में अपने लिए चाय बनाती हूँ. एंड आफ्टर दैट जो है मेरा थर्ड स्टेप क्या होता है कि मैं अपने लिए कि मैं ब्रश करती हूँ, टीथ ब्रश करती हूँ. ब्रेकफास्ट करने के बाद टीथ ब्रश करती हूँ. काफ़ी लोग ये मिस्टेक करते हैं, वो नाश्ता करने से पहले ही अपनी वो ब्रश कर लेते हैं. बट ऑलवेज़ ब्रश योर टीथ आफ्टर डूइंग योर ब्रेकफास्ट. और फिर उसके बाद द बेस्ट थिंग विच आई डू इज़ मैं म्यूज़िक सुनती हूँ. लास्ट में 10 मिनट के लिए अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनती हूँ. जब मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, फ्रेश हो जाऊँ, तो फिर उसके बाद मैं 10 मिनट के लिए लास्ट में अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनती हूँ, ताकि मुझे थोड़ी सी एनर्जी आए. बिकॉज अगर आप कोई भी अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनो, कोई भी अपना फेवरेट गाना सुनो ना, थोड़ी सी वॉक करो साथ में. मैं ये नहीं कि मैं बैठ के मैं साथ में वॉक करती हूँ, 10 मिनट्स की वॉक होती है, साथ में अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनती हूँ. इस तरह से मुझे काफ़ी एनर्जी आती है. और फिर 10-15 मिनट की वॉक के बाद मैं खाती हूँ ऑलमंड्स, जो मैंने ओवरनाइट सॉक किए होते हैं, और ये बहुत हेल्दी होते हैं और हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं. इट्स वेरी गुड फॉर योर ब्रेन सिस्टम. तो ये ऑलमंड्स जो है ना, ये भी कोशिश करें कि लास्ट में खाया करें, और नाइट में नहीं, मॉर्निंग में खाया करें, आफ्टर द ब्रेकफास्ट खा लें. तो 5 to 6 जो है ना, मैं ये ऑलमंड्स खाती हूँ. और फिर एंड दिस इज़ व्हाट द 5 हेल्दी थिंग्स, द 5 प्रोडक्टिव थिंग्स विच आई डू इन माई मॉर्निंग, जिससे मेरी जो मॉर्निंग है बहुत ही प्रोडक्टिव हो जाती है, मैं बहुत एनर्जेटिक और बहुत ही फ्रेश फील करती हूँ. सो या दैट्स इट. थैंक यू सो मच. आई होप यू लाइक माई मिनी ब्लॉग.